नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य। मेरे चैनल नीलम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ ड्रिंक की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको पीने से कई फायदे होते हैं। इसको हर उम्र के लोग पी सकते हैं। इसको पीने से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, हमारी हड्डियों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है। इसे आप सर्दी खांसी में भी पी सकते हैं। आप डिलीवरी के बाद भी इसको दे सकते हैं क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक है। ये आपको बहुत फायदा करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हल्दी और सौंठ का दूध। सबसे पहले हम गैस पे गर्म होने के लिए दूध रख देंगे। ये मैंने एक गिलास दूध लिया है। दूध को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसमें हम 2 छोटे चम्मच चीनी डालेंगे। और ये देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट है इसको पीस लिया है, इसमें किशमिश नहीं है। आप किशमिश अगर डालें तो गैस जब आप दूध पक जाए बंद करने के बाद ही आप उसमें डालेंगे, नहीं तो दूध फट जाएगा। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इनको अच्छे से अब बॉयल होने देते हैं। ये देखिए अब दूध उबलने लगा है, तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे। इसको मैंने दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दिया है। तब तक इसके लिए मैं तड़का बनाऊंगी। इसमें हम हल्दी और सौंठ का तड़का बनाएंगे। देखिए घी मैंने 1 चम्मच डाला है, घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। देखिए जीरा तड़कने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें सौंठ और हल्दी डालेंगे जिससे सौंठ और हल्दी जलेगी नहीं। ये देखिए अब इसमें हम 1/2 चम्मच सौंठ डाल रहे हैं, ये सौंठ का पाउडर है, इसको डाल लेते हैं। 1/2 छोटा चम्मच ये हल्दी है, हल्दी पाउडर, इसको डाल के मिला लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और गैस का फ्लेम एकदम हम लो रखेंगे ताकि ये जले ना। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, करीब 1/2 मिनट। ये देखिए 1/2 मिनट हो गया है, सौंठ और हल्दी अच्छे से पक गई है। तो चलिए अब इसको हम दूध में ऐड कर लेते हैं। देखिए दूध को मैंने गैस पे शिफ्ट कर दिया है और इसको अब इसमें हम डाल देते हैं। इसको आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये डालने पे ये ऊपर आने लगता है। ये देखिए अच्छे से इसको हम इसमें डाल के मिला लेंगे पहले, और इस दूध को हम 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। 2 से 3 मिनट हो गया है, देखिए दूध भी अच्छे से पक गया है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। लीजिए हमारा गर्मा गर्म हल्दी और सौंठ का दूध बनकर तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।